ज्वेलर्स सन 2002 से आपकी सेवा में। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9827366। चाहिए रेडमी 6A? अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, हमारे वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करना। संक्रमित महामारी के खतरे के बीच अस्पतालों में पूरी शिद्दत के साथ अपने सेवा क्रम को निरंतर जारी रखने वाले चिकित्सक जहां अस्पतालों में आने वालों के इलाज के लिए तत्पर होकर जुटे हैं, तो वहीं इन दिनों लॉकडाउन के कारण सैकड़ों की संख्या में बाहर से निकलने वाले प्रवासी लोगों की मानवता के नाते मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ इस कार्य में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले एसोसिएशन के प्रदेश व्यापी रहे। इस दौरान उनके द्वारा मूंगफली, चना, सत्तू, बिस्कुट, लाई और ORS का पैकेट भी दिया जा रहा है, तो वहीं छोटे बच्चों के लिए नमकीन और चिप्स भी वितरित किए जा रहे हैं। एसोसिएशन की सदस्य के मुताबिक इस सेवा कार्य करने के पीछे मूल उद्देश्य इन लोगों को डिहाइड्रेशन से ग्रस्त होने से बचाना है। उनके मुताबिक प्रवासी लोग लंबा सफर कर वापस लौट रहे हैं, जिनमें कुछ संसाधनों से तो कुछ पैदल ही जा रहे हैं। मौसम का प्रतिकूल प्रभाव के साथ सफर के कारण इनमें शारीरिक थकान और कमजोरी के कारण बीमार होने की संभावना ज़्यादा है, जो इस संक्रमण काल में इनकी परेशानी बढ़ा सकती है। ऐसे में उन्हें राहत मिल सके, इसके लिए एसोसिएशन ने इसकी मदद का बीड़ा उठाया है और इसी के फलस्वरूप वह सभी अलग अलग स्थानों पर पहुँच कर इनकी मदद कर रही हैं। साथ ही महामारी से सुरक्षित रखने मास्क का वितरण भी किया जा रहा है। महामारी और संक्रमण के बीच अपनी दोहरी भूमिका का निर्वहन करते इन चिकित्सकों का यह सेवाकार अनुकरणीय पहल है। ये जो है ये सेवा किस द्वारा की जा रही, क्या इसका उद्देश्य है? ये एक्चुअली हम लोग जो जितने अपने प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं, कहीं बॉम्बे से आ रहे हैं, और ये लोग सब कहाँ जा रहे हैं, कहीं बिहार जा रहे हैं, कहीं यूपी जा रहे हैं, चार चार दिन से चलते हुए आ रहे हैं। यहाँ रुके, हमने एक से इंटरव्यू लिया, पूछा, हम चार दिन से चल रहे हैं, फिर चार दिन के बाद ये लोग अपने जो गांव पहुंचेंगे, फिर चार दिन लगाएंगे। इस तरह से हम लोगों ने जब देखा कि बहुत कम से कम लाखों में मजदूर आ रहे हैं और कोई बिल्कुल नंगे पांव हैं, पानी की कमी हो रही है, डिहाइड्रेशन में हैं, तो उनके लिए हम सब IMA जो सागर है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हमारा है, तो हम लोगों ने सागर, बीना और खुरई, अभी अब हम जो IMA सागर है वो पूरा 3 दिन से लगातार हम लोग इन लोगों को जितने हाईवे हैं, हाईवे है, भोपाल रोड है और गढ़पैरा है, इतनी जगह हम लोगों ने ये रोज सुबह शाम कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पे गल्ला मंडी के साइड पे आए हैं और चूँकि ये जो एरिया है ये खुरई बीना सबसे लगता है, तो हमारा जो बीना और खुरई के IMA लोग हैं, उन लोगों का भी हमारे इसमें पूरा सहयोग रहा है, योगदान रहा है, उनके कारण भी हम लोग ये सारा काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ये सुरक्षित अपने घरों में पहुंच जाएं, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं हो, कोई बीमारी ना हो। ये बहुत एक समुद्र में एक छोटी सी बूंद के बराबर एक काम है, लेकिन इतना करने की भी इच्छा है। आज ऐसी धूप में हम 2 मिनट नहीं खड़े हो पा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि ये बेचारे मजदूर 8-10 दिन से धूप में चल रहे हैं, तो बहुत मुश्किल का काम। इसमें इनका कोई दोष नहीं है, कोरोना अपने यहाँ पर आया, ये कोरोना से हमें लड़ना है, जूझना है और हमारे लोगों को बचाना है, इंडिया के सारे लोगों को सुरक्षित रखना है। किस प्रकार से सहायता की जा रही है आपके द्वारा? इसमें हम लोगों ने सब कंट्रीब्यूशन किया है और उसमें हमारी IMA के अध्यक्ष हैं, यहाँ सागर की हैं डॉक्टर साधना मिश्रा, सचिव डॉक्टर मोनिका जैन हैं, जिनके सहयोग से, और हमारी डॉक्टर सरोज भूरिया हैं, हम सबों ने मिलकर इस पूरे प्रोग्राम को बनाया है। 3 दिन हम लोग ORS पाउडर और दूसरी मूँगफली के पैकेट, सूखे पैकेट, सूखी चीज़ें हम लोग दे रहे हैं, चने के पैकेट देते हैं, सत्तू और सब चीज़ें देते हैं, दवाइयाँ हैं, ORS देते हैं, ताकि वो सब लेके साथ में चले जाएं और बीच बीच रास्ते में खाते जाएंगे, तो उससे उनमें एक एनर्जी बनती जाएगी। इस तरह से हम सब मिल के IMA जो है वो इनकी सेवा करना चाहता है। ये जो मैं बताऊँ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने नेशनल अपील की थी, तो सारे देश में जितनी भी ब्रांचेस है, जो जो कर सकते हैं, सभी लोग ये हेल्प कर रहे हैं। पूरे इंडिया में हम पूरे हिंदुस्तान सबसे अग्रणी है सब में। सागर में चाहते हैं कि